नमस्कार मेरे सभी भाइयों का, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मेरी खेती मेरा गांव में। आज हम बात करेंगे जो धान में माऊ का अटैक होता है, भूरे फुदके और सफ़ेद फुदकों का जो अटैक होता है उसके बारे में। उसमें आपको कौन सी दवा डालनी चाहिए, कौन सी दवा आपको सबसे बेस्ट रहेगी, तो ये मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लगभग माऊ में दो प्रकार की माऊ रहती है, सफ़ेद माऊ और काली माऊ और एक बूरी, तीन प्रकार की बूरी तरह की माऊ। तीन तरह की माऊ आपको आपके धान की खेत में नुकसान। ये माऊ बहुत ही मतलब घातक और ऐसा रहता है, बहुत जल्दी अटैक करती, धान के सुखा देती। आपको कुछ मैं नुकसान के फ़ोटो दिखाता हूँ, ऐसे नुकसान होते हैं, और इसके बाद मैं आपको वो फ़ोटोज़ दिखाता हूँ जो जैसे माऊ दिखती कैसी है और इसके अटैक मतलब माऊ पे आप धान को पहचानेंगे कैसे। ये फ़ोटो देखिए, ये सारे धान के अटैक हैं, धान के माऊ के। अब हम बताएंगे आपको कि इसके सॉल्यूशन के लिए आप क्या डालें। पहले शुरू करते हैं कि जो सफ़ेद माऊ लगती है लगभग 60 दिन की धान के बाद, तो उसके लिए आप क्या डालें। उसके लिए आप इमीडा ले सकते हैं 17% 17.8 SL वाली। ये मेरे पास इंडोगोल कंपनी की, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। इमीडा क्लोरोपिट 17 वाली भी ले सकते हैं, 30 वाली भी, और 70 जो आती है वो भी ले सकते हैं। ये मेरे पास 17.8 इसका भी बढ़िया रिजल्ट है। और इसकी अगर आप डोज की बात करें तो इसका जो डोज है वो लगभग 50 से 60 ml प्रति एकड़ है। इसके भी सफ़ेद माऊ पर, सफ़ेद फुदकों पर बहुत ही अच्छा मच्छर रस चूस रहा कीट पर बहुत ही अच्छा है इसका रिज़ल्ट। ये मेरे पास इंडोगोल कंपनी की, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। और इसकी अगर रेट की बात करें तो लगभग आपको, ये मेरे पास 250 ml की है, तो आपको 250-300 rupees की मिल जाएगी आपको 250-300 की। ये 250 ml का पैक। इसके बाद दूसरी दवाई की अगर अपन बात करें तो मेरे पास है डेनोटोफोरॉन 20% SG। ये मेरे पास कॉन्ग्रेट्स कंपनी का, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। ये लगभग सफ़ेद और काली माऊ पे, दोनों माऊ पे अच्छा रिजल्ट है, लेकिन ये थोड़ा मतलब ऐसा है जब कम, जैसे एक पेड़ पे लगभग 4-5 अगर माऊ बैठी हुई है तो तब आप इसका उपयोग करें शुरू वाली अवस्था में। ये डेनोटोफोरॉन 20% SG है, इसका जो डोज है वो लगभग 100 ग्राम प्रति एकड़ है। और ये मेरे पास कॉन्ग्रेट्स कंपनी का आधा किलो का, आपको लगभग ये 3000 से 4000 के बीच मिल जाएगा किसी भी कंपनी का, एक किलो की पैकिंग में। तो इसके भी बढ़िया रिजल्ट हैं, आप इसको प्रयोग करेंगे तो बढ़िया रिजल्ट है। इसके अलावा फिर एक और जो मैं आपको बताऊं, वो मेरे पास है पायमेट्रोजिन 50% SWG। ये तो आप जानते ही होंगे, चेस वाला टेक्निकल, ये सभी मतलब पहले से ही जो फेमस आ रहा है इसका जो टेक्निकल है माऊ के लिए, आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसका ही उपयोग होता है जब ज़्यादा माऊ हो जाती है, तो इसके बिल्कुल बहुत शानदार रिजल्ट हैं, 15 से 20 दिन तक इसके रिज़ल्ट हैं। और इसका जो डोज है वो 120 ग्राम प्रति एकड़, और इसका लगभग एकड़ में अगर अपन इसका खर्च जाने तो 300 से 400 rupees एकड़ इसका खर्च आएगा एक एकड़ का। ये वैसे इंडोगोल कंपनी की, आप किसी भी कंपनी का इसका ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताई है तीनों दवा, ये जब आपके खेत में माऊ का अटैक हो जाए, और अगर इन तीनों दवा से भी आपका आपकी मतलब माऊ का जो प्रकोप है वो कम ना हो, तो आप फिर इसके बाद डूपॉन्ट कंपनी की पैक्सोलॉन आती है, तो आप उसका उपयोग करेंगे तो उसको बिल्कुल बहुत ही शानदार, कितनी माऊ आपके खेत में बिल्कुल शानदार, इनसे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। आप इसको पहले डोज में ले सकते हैं, इन दोनों में से आप पहले डोज में यूज़ कर सकते हैं, इसको दूसरे डोज में। अगर फिर कंट्रोल नहीं होता तो आप पैक्सोलॉन डालिए, आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। तो यहीं मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, धन्यवाद।